ध्रुव दिशा स्थिरता दृढ़ता आधार आदि शुभ गुणों की सूचक है। चंचलता दूर करने और स्थिरता करने के लिए ही सब धर्म के नियम हैं। उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष यहाँ अधिपति और संरक्षक हैं, क्योंकि कर्म से ही जगत की स्थिति और है। इसीलिए कर्म के बिना किसी की स्थिरता और दृढ़ता हो नहीं सकती। यही कारण है कि इस दृढ़ता के मार्ग के उद्यमी और पुरुषार्थी संचालक हैं। यहाँ औषधि वनस्पतियाँ दोष निवारण द्वारा सहाय करती हैं। जो जो दोषों को दूर करने वाले हैं वे सब इस मार्ग के सहायक हैं। उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्षकों का सम्मान सबको करना चाहिए। उद्धर्व दिशा आत्मिक उच्चता का मार्ग सूचित करती है। सच्चा आत्मज्ञानी आप्त पुरुष इसी मार्ग का अधिपति और मार्गदर्शक है। जो अंतर ब्रह्मी पवित्र होगा वह ही यहाँ संरक्षक हो सकता है। आत्मा के अनुभव और पवित्रत्व का यहाँ स्वामित्व है। आत्मिक उच्चता के मार्ग का अवलंबन करने के समय आत्मज्ञानी आप्त पुरुष के आधिपत्य में तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुष के संरक्षण में रहते हुए ही इस मार्ग का आक्रमण करने से इष्ट सिद्धियों की वृष्टि होती है। आत्मिक अमृत जल का रसा स्वाद लेने का यही योग मार्ग है। मैं इस मार्ग का आक्रमण अवश्य ही करूंगा और दूसरों का मार्ग भी यथाशक्ति सुगम करूंगा। मैं सदा ही उक्त प्रकार के आत्मज्ञानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषों का सम्मान करूंगा। दिशाओं के वर्णन से मानवीय उन्नति का तत्व ज्ञान, उन्नति के 6 केंद्र, उस सूक्त के 6 मंत्रों में मानवीय उन्नति के 6 केंद्र 6 दिशाओं के द्वारा सूचित किए हैं। पहला प्राची, दूसरा दक्षिणा, तीसरा प्रतीची, चौथा उदीची, पांचवा ध्रुवा और छठा उधर्वा। ये 6 दिशाएं क्रमशः 1 प्रगति, 2 दक्षता, 3 विश्राम, 4 उच्चता, 5 स्थिरता और छठी आत्मिक उन्नति के भाव बता रही है। ऐसा जो उक्त 6 मंत्रों द्वारा सूचित किया है विशेष विचार करने योग्य है। उपासक इन दिशाओं में होने वाली नैसर्गिक घटनाओं को विचार की दृष्टि से देखें। इस सृष्टि के विविध घटनाओं के द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा है। ऐसा भावना मन में स्थिर करके उपासकों को सृष्टि की ओर देखना आवश्यक है। जड़ भाव को छोड़कर परमात्मा के चैतन्य से यह सृष्टि ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मन में स्थिर करनी चाहिए, क्योंकि यह पूर्ण सृष्टि इस पूर्ण परमेश्वर के द्वारा ही उदय को प्राप्त होती है और उस पूर्ण ईश्वर की शक्ति ही इस सृष्टि द्वारा दिखाई दे रही है। इस प्रकार विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार 6 दिशाओं द्वारा अपनी उन्नति के 6 केंद्रों के संबंध में उपदेश लेंगे तो व्यक्ति और समाज की उन्नति के स्थिर और निश्चित मार्गों का ज्ञान उनको हो सकता है। इन केंद्रों का ज्ञान उत्तम रीति से होने के लिए पूर्वोक्त वैदिक सूक्तों में कथित दिशाओं के ज्ञान के कोष्टक यहाँ देते हैं और उनका स्पष्टीकरण भी काश्य की दृष्टि से संक्षेप से ही करते हैं। दिशा कोष्टक, दिशा अधिपति रक्षिता ईशवः। पहला, दिशा प्राची, अधिपति अग्नि, रक्षिता असिता ईशवः आदित्य। दिशा दक्षिणा, अधिपति इंद्र, रक्षिता त्वरश्चराजी ईशव पित्र। दिशा प्रतीची, अधिपति वरुण, रक्षिता प्रदाकुः ईशवः अन्नम। दिशा उदीची, अधिपति सोम, रक्षिता स्वजः ईशवः अश्नि। दिशा ध्रुवा, अधिपति विष्णु, रक्षिता कल्माश ग्रीवः ईशवः विरुद्ध। दिशा उधर्वा, अधिपति बृहस्पति, रक्षिता शिवत्रः ईशवः वर्षम। इस सूक्त के मंत्रों को देखने से ईष्ट कोष्टक की सिद्धि हो सकती है। अब वेद में अन्य स्थानों में आए हुए दिशा विषयक उल्लेखों का विचार करना है। इस विषय में निम्न मंत्र देखिए। प्राची आदि दिशाओं में हेति आदि देव हैं और अग्नि आदि ईशु हैं। ये सब हम सबको सुखी करें, वे हम सबको उपदेश करें, उन सबको हमारा नमस्कार है, उनके लिए हमारा समर्पण है। यह इन मंत्रों को भावार्थ है। अब उनका निम्नलिखित कोष्टक बनता है। दिशा कोष्टक, दिशा देवः ईशवः है। दिशा प्राची, देवः हितयः ईशवः अग्निः। दिशा दक्षिणः,
देवः अविश्यवः इषव कामः दिशः प्रतीचिः देवः वैराजः इषवः आपः दिशः उदीचिः देवः प्रविघयन्तः इषवः वातः दिशः ध्रवः देवः निर्लिपः इषवः औषधिः दिशः उधर्वः देवः अवखन्तः इषवः बृहस्पति। पहले कोष्टक की इस द्वितीय कोष्टक के साथ तुलना कीजिए। पहले कोष्टक में प्राची और उधर्वा के अग्नि और बृहस्पति अधिपति हैं, वे ही यहाँ ईशु बने हैं। ध्रुवा दिशा के ईशु पहले कोष्टक में विरुद्ध हैं और यहाँ औषधि है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। प्रतीची दिशा ईशु दोनों कोष्टक में अन्न और आप हैं। खान पान का परस्पर निकट संबंध है। दक्षिण दिशा के ईशु दोनों कोष्टक में पितर है और कामह है। काम के उपभोग से ही पितृत्व प्राप्त हो सकता है। उदीची दिशा के ईशु वात और अशनि है। अशनि का अर्थ विद्युत है और उसका स्थान मध्य स्थान अर्थात वायु का स्थान माना गया है। इससे पाठकों को पता लग जाएगा कि केवल प्राची और उधर्वा दिशाओं के ईशु बदले हैं। इतना ही नहीं, परंतु पहले कोष्टक में जो अधिपति थे वे ही दूसरे में ईशु बने हैं। अन्य दिशाओं के ईशु समान अथवा परस्पर संबंध रखने वाले हैं। अथर्ववेद के तीसरे कांड के 26वें और 27वें सूक्त के कथन में इतना भेद है। इस भेद से स्पष्ट होता है कि ईशु अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं है परंतु आलंकारिक हैं। अब निम्न मंत्र देखिए। प्राची आदि दिशाओं में ब्रह्म द्रविणम ज्ञान आदि धन है। इन मंत्रों का स्पष्टीकरण निम्न कोष्टक से ही हो सकता है। अभ्युदय की दिशा दिशा कोष्टक दिशः रक्षक छंदः साम स्तोमः ऋतुः द्रविणम धनः। दिशः प्राचीः रक्षक छंदः गायत्री साम रथ्यन्तरः स्तोतमः त्रिव्रत ऋतुः वसन्तः द्रविणम धनम ब्रह्मः। दिशः दक्षिणः रक्षक छंदः त्रिष्टुप साम बृहत स्तोमः पञ्चदश ऋतुः ग्रीष्मः द्रविणम धनम छत्रम्। दिशः प्रतीचिः रक्षक छंदः जगति साम वैरूपम स्तोमः सप्तदशः ऋतुः वर्षः द्रविणम धनम विटः। दिशः उदीचिः रक्षक छंदः अंशुतपः साम वैराजम स्तोतम एकाविशम ऋतुः श्रद द्रविणम धनम फलम्। दिशः ध्रुवा उधर्वः रक्षक छंदः पंक्ति साम शंकर रेवतः स्तोमः त्रिणवत्रयः स्त्रीशोः ऋतुः हेमंतः शिशिरः द्रविणम धनमः वर्चः। इस कोष्टक में दिशाओं के धनों का पाठक अवश्य अवलोकन करें। पहला प्राची दिशा का धन ब्रह्म ज्ञान है। दूसरा दक्षिण दिशा का धन छत्र शौर्य है। तीसरा प्रतीची दिशा का धन विष उत्साह से पुरुषार्थ करने की वैश्य शक्ति है। चौथा उदीची दिशा का धन फल परिणाम लाभ आदि है। पांचवा ध्रुवा और उधर्व दिशा का धन शक्ति बल आदि है। ज्ञान शौर्य पुरुषार्थ प्रयत्न लाभ और वीर्य तेज ये उक्त दिशाओं के धन हैं। उनकी तुलना प्रथम कोष्टक के साथ करने का अर्थ का बहुत गौरव प्रतीत होगा। पाठकों ने यहाँ जान लिया होगा कि उत्तम गुण विशेष वर्णों के होने से उक्त दिशाओं का संबंध उक्त वर्णों के साथ भी है। ब्राह्मणों का ज्ञान क्षत्रियों का शौर्य वैश्यों का पुरुषार्थ शूद्रों के हुनर का लाभ और जनता का वीर्य तेज सब राष्ट्र के उद्धार का हेतु है तथा प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान शौर्य पुरुषार्थ फल प्राप्ति तक प्रयत्न करने का गुण और वीर्य तेज होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति में और राष्ट्र में उक्त गुणा का संबंध है। इस संबंध को स्मरण रखते हुए पाठक निम्न मंत्र देखें। प्राची दिशा में अजस्य अजन्मा जीव का सिर रखो तथा अन्य दिशाओं में अन्य अवयव रखो। इन मंत्रों में अवयवों का दिशाओं के साथ संबंध बताया गया है। निम्न कोष्टक से इसका भेद स्पष्ट होगा। दिशा कोष्टक कर प्राचीः शिरम मस्तकः प्राचीः दक्षिणा शिरः दक्षिणम पार्श्वम मस्तक दहनी बगल प्राची प्रतीची शिरः भसदम मस्तक गुप्त भाग प्राची उदीची शिरः उत्तरम पार्श्वम मस्तक बाई बगल प्राची ध्रुवा शिरः पाजस्यम मस्तक पीठ प्राची उधर्वा शिरः अनुक्यम
मस्तक पीठ की हड्डी, इस कोष्टक के साथ पूर्वोक्त कोष्टक की तुलना कीजिए। ज्ञान शौर्य पुरुषार्थ और फल का संबंध सिर बाहु मध्य भाग और निम्न भाग के साथ यहाँ लिखा है।